अगला प्रश्न है, साइन 10 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ये 1/16 के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, इसे हम दो अलग अलग विधियों के द्वारा हल कर सकते हैं। वो ये कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के साइन को हम कॉस के पदों में लिखते हैं, तो ये जो साइन 10 डिग्री है और फिर ये साइन 30, साइन 50 और साइन 70, तो साइन 10 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 - 80 डिग्री, साइन 30 को आप लिख सकते हैं साइन 90 - 60 डिग्री, साइन 50 को लिख सकते हैं साइन 90 - 40 डिग्री और साइन 70 को लिख सकते हैं साइन 90 - 20 डिग्री। और आपको पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 80 और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कॉस 60, ये वाला पद कॉस 40 और अंतिम वाला पद कॉस 20 तो पिछले प्रश्न में हमने इसी को ही हल किया था, कॉस 80, कॉस 60, कॉस 140, कॉस 40 और ये कॉस 20, ये इक्वल टू 1/16 था। पिछले प्रश्न में हमने इसे आगे हल किया था, तो इसे आगे भी आप पूर्व प्रश्न की तरह हल कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं इसकी दूसरी विधि। यहाँ पर ये जो साइन 30 डिग्री है ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसका मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो पहले आप साइन 30 ले लीजिए और फिर ये दो एंगल है साइन 10 और साइन 50, तो इसे हम 1/2 और फिर 2 टाइम्स साइन 50 और साइन 10 इस तरीके से हम लिख रहे हैं और ये साइन 70 डिग्री, तो 2 साइन ए साइन भी इस फॉर्म में बनाने के लिए हमने इसमें 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया। कॉस साइन 30 ये भी 1/2 होता है और ये पहले से 1/2 और 2 साइन ए साइन बी, चूँकि 2 साइन ए साइन बी ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो इसका इस्तेमाल करके हम इसको लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, तो 50 - 10 फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 50 + 10 आगे हल करेंगे मिल जाएगा 1/4 कॉस 40 डिग्री फिर माइनस और यहाँ पर ये साइन 70 है कॉस 40 माइनस कॉस 60 और ये साइन 70 डिग्री आगे हल करेंगे कॉस 40 डिग्री और फिर ये साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 60 ये स्टैंडर्ड एंगल है इसका हम मान रख सकते हैं 1/2 और ये साइन 70 डिग्री। अब फिर से देखिए ये जो पहला पद है ये कॉस ए साइन बी के फॉर्म पे हो सकता है लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो अनुपस्थित है, तो 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे तो ये 1/2 2 टाइम्स कॉस 40 डिग्री और फिर साइन 70 डिग्री फिर माइनस 1/2 साइन 70 डिग्री, ये 1/2 ये 1/2 कॉमन आ जाएगा तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 1/8 और फिर 2 cos 40 डिग्री और ये साइन 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री। चूंकि 2 cos A sin B ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी,
तो उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, ये 1/8, और फिर साइन ए प्लस बी, ए मतलब 40 डिग्री और बी मतलब 70 डिग्री, फिर माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये 40 माइनस 70 डिग्री अगेन, और फिर ये माइनस साइन 70 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा 1/8 साइन 110 डिग्री, और फिर साइन -30 डिग्री और माइनस साइन 70 डिग्री। 1/8 साइन 30 डिग्री ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो ये जो साइन 110 है, 110 डिग्री है, इसे हम लिखते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 70, और ये साइन ऑफ माइनस थीटा, चूँकि माइनस साइन थीटा होता है तो ये माइनस साइन प्लस आ जाएगा, और फिर ये साइन 30 और ये माइनस साइन 70 डिग्री। आगे 1/8 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर ये साइन 70, फिर प्लस ये साइन 30 और ये माइनस साइन 70, ये माइनस साइन 70 प्लस साइन 70 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/8 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2 इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/16, और यही राइट हैंड साइड है। अगला प्रश्न है जहां हमें सिद्ध करना है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री ये इक्वल टू होगा 3/16 के, ये हमें सिद्ध करना है। तो पूर्व प्रश्न की भांति लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, जो स्टैंडर्ड एंगल है उसे हम पहले लिख लेते हैं, ये साइन 60 डिग्री, और फिर शेष कोणों को लिख लेते हैं साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। साइन 60 ये आ जाएगा √3/2, उसके बाद इसमें हम 1/2 का गुणा करते हैं और 1/2 का गुणा करते हैं, या फिर 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं, तो आगे ये आ जाएगा 2 sin 20 और साइन 40, इन दोनों का पेयर बना करके हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और अगला है साइन 80। आगे देखिए 2 sin A sin B, तो चूँकि 2 sin A sin B ये बराबर होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी के, तो उससे हम इसे आगे हल करेंगे, ये √3/4 और फिर साइन 2 sin A sin B, तो इसे हम लिखेंगे cos ऑफ 20 माइनस 40, फिर माइनस cos 20 प्लस 40, और ये साइन 80 डिग्री। आगे हल करते हैं, ये आ गया √3/4 और फिर ये cos माइनस 20 आएगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इस वजह से ये cos 20 मिलेगा, और फिर ये माइनस cos 60 डिग्री और ये साइन 80। √3/4 अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो पहला जो पद है ये आएगा cos 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री, फिर माइनस cos 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, देन अगेन √3/4 cos 20 और sin 80 है। 2 cos A sin B इस फॉर्म में बिलोंग कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें 1/2 यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा, तो 2 cos 20 sin 80 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये sin 80 डिग्री, तो ध्यान दीजिए 1/2 इन दोनों पदों में है, दोनों को यदि हम उभयनिष्ठ निकाल लें तो आगे हमें मिलेगा √3/8, गुणा करेंगे तो √3/8 आ जाएगा। अब फिर चूंकि 2 cos A sin B ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, तो यहां पर मिल जाएगा साइन 20 प्लस 80, फिर माइनस साइन 20 माइनस 80, और फिर ये माइनस साइन 80। आगे हल करते हैं, ये √3/8 और फिर ब्रैकेट में साइन 100 डिग्री
फिर माइनस साइन माइनस 60 डिग्री, फिर माइनस साइन 80 डिग्री। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पर आगे हमें हल करने पर प्लस साइन मिलेगा। इसी तरीके से ये साइन 60 तो ऑड एंगल, साइन 60 तो ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन साइन 100 और 80 ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो साइन 100 को हम लिख रहे हैं साइन 180 माइनस 80 डिग्री, और फिर ये आ जाएगा प्लस साइन 60 डिग्री, और फिर ये माइनस साइन 80 डिग्री। आगे हल करेंगे हमें मिल जाएगा रूट 3/8 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ से मिल जाएगा ये साइन 80 प्लस साइन 60 और ये माइनस साइन 80। ये प्लस साइन 80 और ये माइनस साइन 80 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3/8 इंटू साइन 60, साइन 60 दैट इज़ रूट 3/2, तो रूट 3/8 इंटू रूट 3/2 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/16, और यही है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है 8 cos 20 degree इंटू cos 40 degree इंटू cos 80 degree, ये इक्वल टू 1 होता है, ये हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिए कि इसमें कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, और आगे हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये 2 times cos A cos B इस फॉर्म को बिलोंग कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 8 cos 20 degree cos 40 degree और ये cos 80 degree, इसमें हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 times cos 20 degree और cos 40 degree। ये cos 20 और ये cos 80 इन दोनों एंगल्स को हम पहले लेकर के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं cos 80 डिग्री और फिर cos 40 डिग्री। ये 2 cos A cos B इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, तो चूँकि 2 cos A cos B ये बराबर होता है cos of A plus B plus cos of A minus B के, तो ये आगे हम इसे लिख सकते हैं cos of 20 plus 80, ये 80 डिग्री है, प्लस cos of 20 माइनस 80 डिग्री, और फिर ये cos 40 डिग्री इक्वल टू 4 टाइम्स। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा cos 100 डिग्री। अब 20 माइनस 80 मिल जाएगा माइनस 60, लेकिन चूंकि cos of माइनस थीटा cos थीटा होता है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस cos 60 डिग्री, और फिर ये cos 40 डिग्री 4 टाइम्स cos 100 डिग्री, और फिर ये गुणा करेंगे तो मिल जाएगा cos 40, फिर ये cos 60 और cos 40। आगे हल करने के लिए इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं, 2 cos 100 इंटू cos 40 डिग्री, फिर ये जो cos 60 है ये 1/2 cos 40 रहेगा। 1/2 दोनों पदों पर है, उभयनिष्ठ निकाल करके आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 4 × 1/2 2 cos A cos B cos of A plus B plus cos of A minus B। तो इसे हम लिखेंगे cos of 100 plus 40 plus cos of 100 minus 40, फिर प्लस ये cos 40 डिग्री। आगे हल करेंगे मिल जाएगा 2 times cos of 140 degree प्लस cos of 60 डिग्री प्लस cos of 40 डिग्री। cos 60 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल है, लेकिन बाकी ये दोनों स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये जो cos 140 है इसे हम लिखेंगे cos of 180 माइनस 40 प्लस cos 60 ये 1/2 फिर प्लस cos 40 डिग्री 2 times cos 180 minus theta माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 40 मिल जाएगा, फिर ये 1/2 और फिर ये cos 40 डिग्री। तो ये cos 40 पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आगे हमें मिलेगा 2 × 1/2 आगे हल करने पर मिलेगा 1, और यही राइट हैंड साइड है,
लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड तक पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से यह भी सिद्ध होता है। तो अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन ए इंटू साइन ए प्लस टू बी माइनस साइन बी साइन ऑफ बी प्लस टू ए ये इक्वल होगा साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, जहाँ पर दिया गया है साइन ए इंटू साइन ऑफ ए प्लस टू बी माइनस साइन बी और फिर साइन ऑफ बी प्लस टू ए। आगे हल करने के लिए साइन ए और फिर साइन ये जो ए प्लस टू बी है इसे हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये साइन बी प्लस टू है इसे बी प्लस ए लिख सकते हैं। अब ये ए प्लस बी को एक पद मानेंगे और इसी तरीके से बी प्लस ए को एक पद मानेंगे। तो ये साइन ए और फिर साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फिर माइनस साइन ये और फिर ये साइन बी पहले से है यहाँ पर साइन ए प्लस बी के विस्तार जैसा करते हैं उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब गुणा कर देते हैं साइन ए फिर साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस बी फिर प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी फिर माइनस साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी और ये कॉस ए फिर ये माइनस और ये प्लस गुणा करके हो जाएगा माइनस साइन बी और कॉस ए प्लस बी और ये साइन ए। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी है और तीसरे पद में साइन ऑफ ए प्लस बी है। तो इन दोनों में साइन ऑफ ए प्लस बी को यदि हम उभयनिष्ठ निकाल लें साइन ऑफ ए प्लस बी तो यहाँ पर आ रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से ये दूसरे पद में देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी है और चौथे पद में भी कॉस ऑफ ए प्लस बी है। तो यहाँ से यदि हम कॉस ऑफ ए प्लस बी को कॉमन ले लें तो यहाँ पर जो राशि है ये आएगी साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी या फिर ये पूरा का पूरा पद ये माइनस साइन के साथ है और ये प्लस साइन के साथ में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो इंटू दिस। अब हमारे पास जो बच गया ये है साइन ऑफ ए प्लस बी और ये देखिए साइन ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये साइन ऑफ ए माइनस बी का एक्सपेंशन है। तो और आगे यही तो राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर के चले थे, राइट हैंड साइड तक पहुँच चुके हैं, ये प्रश्न सिद्ध होता है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है टू कॉस पाई बाई थर्टीन इंटू कॉस नाइन पाई अपॉन थर्टीन प्लस कॉस थ्री पाई अपॉन थर्टीन प्लस कॉस फाइव पाई अपॉन थर्टीन ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं टू कॉस पाई बाई थर्टीन इंटू कॉस नाइन पाई बाई थर्टीन प्लस कॉस थ्री पाई बाई थर्टीन प्लस कॉस फाइव पाई बाई थर्टीन। ये देखिए ये टू कॉस ए कॉस बी को बिलोंग करता है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये हमें मिल जाएगा कॉस पाई बाई थर्टीन प्लस नाइन पाई बाई थर्टीन फिर प्लस कॉस ऑफ पाई बाई थर्टीन माइनस नाइन पाई बाई थर्टीन। फिर ये अगला पद है कॉस ऑफ थ्री पाई बाई थर्टीन और प्लस
कॉस ऑफ 5 पाई बाई 13। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस एलसीएम आएगा 13, 9 पाई प्लस पाई दैट इज 10 पाई, फिर आगे पद कॉस एलसीएम आएगा 13, 9 पाई माइनस 9 पाई करेंगे तो माइनस 8 पाई आएगा, और चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे 8 पाई, फिर प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ये जो कॉस 10 पाई बाई 13 है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 13, देखिए ये आ जाएगा 13 पाई माइनस 3 पाई तो आ जाएगा 10 पाई। इसी तरीके से जो अगला पद है इसे हम लिख रहे हैं कॉस ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाई 13, तो ये 13 पाई माइनस 5 पाई करेंगे तो मिल जाएगा 8 पाई, और फिर अंत में जो दो पद हैं उसे उसी तरीके से लिखेंगे 3 पाई अपॉन 13 और ये कॉस 5 पाई अपॉन 13। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 13, और अगेन ये मिलेगा माइनस कॉस 5 पाई बाई 13, फिर प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 और प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 और ये प्लस कॉस 3 पाई बाई 13, ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आ रहा है ये 0, और यही राइट हैंड साइड है।